हाय नमस्ते, वेलकम बैक विन चेडा, वेलकम बैक टू विन चेडा। आज मैंने बैंक निफ्टी का लाइव ट्रेड आपको दिखा रही है, यानी कि गैप डाउन गैप अप मार्केट में बैंक निफ्टी काम कैसे करते हैं, यानी कि कौन सी पॉइंट में एंट्री लेना चाहिए। तो यानी कि कल भी मुझे मैसेज मिला था क्लाइंट को, लाइव ट्रेड यानी कि लाइव ट्रेड कहाँ से एंट्री लेते हैं, कहाँ से एक्सिट करते हैं, वो लाइव ट्रेड आपको दिखाना है। तो मैं आज वो आपको दिखा रही थी, यानी कि आज लगभग 12th जुलाई, तो आज मॉर्निंग पे यानी कि 9:20 को एक बाई सिग्नल मिला, सॉरी एक सेल सिग्नल मिला था, यानी कि 35,378 को सेल दिए थे, तीन टारगेट नीचे दिया है स्टॉप लॉस पर। मॉर्निंग में जब गैप डाउन गैप अप ओपन होते हैं, भले निफ्टी है भले बैंक निफ्टी है, तो हड़बड़ी में मॉर्निंग में पुश नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक हमारा नीचे सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमको पुश ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सेम गैप डाउन मॉर्निंग में ओपन हुआ था, पर एंट्री भी दिया था, कन्फर्म भी है, पर फिलहाल बीच बीच में यहाँ पर साइड भी दे रही हूँ। तो पर निफ्टी में भी सेम ऐसा है, गैप डाउन है पर कैंडल तो इसमें साइड में नहीं दिया, पर फिलहाल सपोर्ट तोड़ा ही नहीं है। तो इसके लिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल नीचे एक लेवल दिया है, तो ये ब्रेक करेगा तब भी यहाँ पे पोजीशन लेने लायक है, ठीक है। द बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा है, पर फिलहाल इसमें सपोर्ट तोड़ चुकी है, तो ये पोजीशन में आपको फिलहाल एंट्री ले सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो 35,390। तो आप भी फिलहाल की रेट बैंक निफ्टी फ्यूचर का ये है, ये पोजीशन में आपको एंट्री ले सकते हैं। इसका टारगेट लगाइएगा 35,300। तो आप फिलहाल वेट कर सकते हैं मार्केट कितना नीचे जाएगा। तो ऐसे पोजीशन में यानी कि कैंडल कला, वॉल्यूम बार और प्राइस एंड सेल्स में तीनों ओके है, तो भी गैप डाउन मार्केट में थोड़ा वेट करना है जब तक हमारा प्रॉपर सपोर्ट लेना, यानी कि गैप डाउन क्या पर ओपन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ग्रीन हो गया, तो ग्रीन होने के बाद फिर अगेन नीचे आया, पर फिलहाल हमारा मार्केट सेल जोन में ही था, इसके लिए वेट कर सकते। सेम निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी गैप डाउन था, तो उसके सेम कल की तरह यानी कि डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा वेट करना है जब तक सपोर्ट ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे था, तो इसके लिए यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है। तो ये पोजीशन में तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट तोड़ रही हूँ धीमे धीमे, तो ये पोजीशन में आपको फिर से एंट्री लेने का मौका है। तो अगर ऐसे पोजीशन में एंट्री नहीं लिया तो री एंट्री का भी वेट कर सकते हैं आप, री एंट्री आने तक री एंट्री में एंट्री ले सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे सपोर्ट तोड़ेगा ना, तो वो पोजीशन में आप ले सकते हो। सेम बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट तोड़ दिया है, तो ये पोजीशन में मैंने आपको एंट्री लेने के लिए कहा था, और टारगेट लगाने के लिए मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे फर्स्ट है। ऐसे मार्केट में हमेशा पहला टारगेट एंट्री लेकर फिर अगेन मार्केट फिर से नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो उसी टाइम आप दूसरा टारगेट लगाएगा। तो रिस्क नहीं लेना, तो पहला टारगेट पहले एंट्री कीजिए 35,300। फिलहाल वेट कर सकते हैं अगर सपोर्ट तोड़ने के बाद कितना तक नीचे जाएगा, ओके आराम से वेट कीजिए। देखिए अभी मार्केट 78 तक पहुंच गया, यानी कि सपोर्ट ब्रेक आने के बाद थोड़ा नीचे गया मार्केट। ऑब्वियसली मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आप ऊपर देखिएगा 35,381, यहाँ पे आपको कॉर्नर में लाइव रेट दिखेगा, तो लाइव रेट मार्केट चेंज हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट भी चेंज होगा। हमारा टारगेट पहला टारगेट है, तो मैंने ये पोजीशन एंट्री लेने के लिए कहा था 35,300, तो एंट्री पॉइंट हमने लिया था 35,392 पे, हमने लिया था 92 पे हमने लिया था टारगेट लगाया 300 का। जब तक हमारा जब ब्रेकआउट होने के बाद जब तक हमारा कैंडल कलर रेड है तब तक हमारा पोजीशन ओके है, पोजीशन आपको कंटिन्यू कर सकते हो। जब तक साइड पे आ जाता है तब भी वहाँ पे एक्सिट करने की जरूरत, तब तक हमारा पोजीशन ओके है। अभी फिलहाल यहाँ पे आप ऊपर जो प्रॉफिट चेंज हो रहा आप देख सकते हो, तो इसमें एंट्री पॉइंट 78 लिया था, पर हमने लिया था 92 पे, तो उसके हिसाब से कि प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंफर्मेशन के बाद नीचे जब तक सपोर्ट ब्रेक करने के बाद उसी टाइम के रेट यहाँ पे दिखा रहा था, वो पोजीशन में अपन को एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो कंफर्मेशन यानी कि गैप डाउन गैप अप गैप डाउन में हमेशा सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद एंट्री लेना चाहिए। सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुके हैं तो हमारा पोजीशन ओके है, तो आराम से हम नीचे जाने का चांस है।
आराम से पोजिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम आप निफ्टी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर स्टार ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। निफ्टी में भी देखिए सपोर्ट ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी अच्छी तरह थोड़ा नीचे गया है मार्केट ऑब्वियसली। ऊपर आप देखिएगा प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है, 23 पॉइंट्स अभी फिलहाल हमने 23 नहीं उससे नीचे मिल गया था, हमने 92 पे एंट्री किया था मिनिमम 30 पॉइंट्स का। यहाँ पे ऊपर देखिएगा प्राइस कैसे चेंज, प्रॉफिट कितना मिल गया था आप ऊपर देख सकते हो। पहुंच गया था हमारा 300 का टारगेट हमने लगाया था, यहाँ पे 35,300 आएगा तो हम वहाँ पे एक्सिट कर सकते हैं। अभी देखिए प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, 35,314 आ गया था, अभी 13 पॉइंट जब मिलेगा तो हमारा टारगेट अचीव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर देखिए 63 पॉइंट्स, अभी उसके हिसाब से ये 78 के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा था, हमने एंट्री किया था 92 पे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। सेम निफ्टी में भी यहाँ पे देखिए जब हमने एंट्री लिया था ये सपोर्ट तोड़ दिया था, तो उसके बाद आराम से 13 से 17 तक पहुँच गया था, आराम से 06 तक गए थे मार्केट आराम से। तो ऐसे पोजीशन में आपको गैप डाउन, मैंने आपको यहाँ पे आज वीडियो दिखा रहे गैप डाउन गैप अप मार्केट में कैसे ट्रेड लेते, यानी कि ऐसे छोटे छोटे रिवर्सल आपको अवॉइड कैसे कर सकते हो वो मैं आज आपको दिखा रही, क्योंकि गैप अप गैप डाउन मार्केट में क्लाइंट्स को कन्फ्यूजन होता है ट्रेड कैसे लेते हैं। फिलहाल हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तभी 300 होगा तब भी अचीव होगा, तुमने टारगेट लगाए थे 300 का, ठीक है। ये अलर्ट बॉक्स है, तो मार्केट वॉच में जो कुछ भी सिग्नल एडेड है तो वो सबका अलर्ट बॉक्स ऐसे अपने आप बजते हैं, यानी कि बेल साउंड के साथ आपको अलर्ट मिलते रहेगा। फिफ्टीन पॉइंट्स जब मिलेगा तो हमारा टारगेट अचीव होगा ऑब्वियसली, तभी 13 पॉइंट्स देखिए 35,315 पहुंच गया। या हमारा टारगेट अचीव हो गया, यहाँ पे अभी देख सकते हो मैंने बोला था 35,300 कंप्लीट हो गया, अप्रोक्सीमेट 92 के हिसाब से हमने लिया था, तो 300 हमारा टारगेट, अप्रोक्सीमेट 92 पॉइंट्स हमने इसमें से हासिल किया था। आपको 25 के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट मिला है तो आप खुद ही लगाइएगा। तो मैंने आज दिखाया गैप अप गैप डाउन मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सिग्नल आने के बाद कंफर्मेशन कहाँ पे लेते हैं, कंफर्मेशन होने के बाद आपको कैसे टारगेट अचीव होता है। अगर फिर से अगर मार्केट अगर इतना नीचे गया है थोड़ा सा ऊपर आकर फिर से नीचे जाए, अभी ये पोजीशन आप कंटिन्यू कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ पे जब सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ओब्वियसली मार्केट नीचे, तीनों टारगेट अचीव होते हैं, तीनों टारगेट अचीव होने का मैंने यहाँ पे इसके लिए दिखा दी, क्योंकि लाइव ट्रेड आपको सामने ही मैंने दिया आपको कंफर्मेशन के हिसाब से, कंफर्मेशन के बाद कैसे लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली मैंने आपको दिखा, ठीक है। कोई डाउट है तो आपको मुझे कॉल कर सकते हो, सामने ही मेरा नंबर डिस्प्ले हुआ है 8139030994, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल कीजिए, सीमा नाम है मेरा। सेम आप निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी सेम ऐसे ही टारगेट अचीव हो गया, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट क्रॉस करने के बाद हमने लिया था तो उसके बाद काफ़ी नीचे गए थे मार्केट, ओके। तभी भी पोजीशन कंटिन्यू करने का ऑप्शन, देखिए री एंट्री भी मिला है ऑब्वियसली।